वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। और जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे हज इंतज़ामात के हवाले से, तो हमदे खुदा से तर हैं ज़ुबानें, हमदे खुदा से तर हैं ज़ुबानें, कानों में रस घोलती हैं अजानें। हमदे खुदा से तर हैं ज़ुबानें, कानों में रस घोलती हैं अजानें, बस एक सदा आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो इसी से आगाज़ करते हुए मैं अपने मौजूद मेहमानों का भी तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद होंगे मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, जो कि हमें ज्वाइन करेंगे ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उनसे गुफ्तगू होगी। और मेरे साथ अभी बहुत खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, हाफिज़ सलमान आज़म साहब, ये भी इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे बात करेंगे, हज और उमरा टूर ऑपरेटर भी हैं, चेयरमैन अमानी ग्रुप हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं, आप कैसे हैं, कैसी तबीयत है आपकी? जी आपकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सादत की बात है कि आप इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, हज के इंतजामात के हवाले से आप आई विटनेस हैं, खुद आंखों से देख रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जब हज का सीज़न शुरू होता है, ये मौका, ये सादत हासिल करने के लिए लोग आपसे राबता करते हैं, तो आपकी अपनी फीलिंग क्या होती है कि अल्लाह ने आपको इस खूबसूरत काम के लिए चुन लिया कि आपके वसीले से, आपके थ्रू लोग हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, ये सादत हासिल करने जाते हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स क्या हैं? देखें, इसमें सच्ची बात यह है कि इंसान अपने एहसासात को बयान नहीं कर सकता जी, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस ज़माने में मक्का मुकर्रमा में जो लोग हाजियों की खिदमत करते थे और उनका जिक्र हम बचपन से सुनते आए हैं, उलमा इकराम से, मीडिया पे, किताबों में पढ़ते रहे, तो एक अजीब एहसास होता था कि वो कैसे अजीम लोग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने घर के मेहमानों की खिदमत के लिए चुना जी। उसके बाद जब हम पढ़ते थे कि सऊदी हुक्काम अपने नाम के साथ खादिमुल हरमैन अशरीफ़ैन लिखवाते हैं, तो हम तब भी ये महसूस करते थे कि कितनी बड़ी सआदत है कि एक मुल्क का बादशाह, किंग जो है, वो अपने साथ खादिम लिखवाना पसंद करता है। तो इस हवाले से जब हम अपने आप को इस जगह पे रखते हैं, सोचते हैं, तो फिर हमें भी एक मुसर्रत हासिल होती है कि हम भी उन लोगों में शामिल हैं जो सदियों से बैतुल्लाह के तवाफ करने वालों, बैतुल्लाह का हज करने वालों की खिदमत में शामिल होते थे, हम भी उनका हिस्सा हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी आपको एक अपनी एक अलहदा फील भी है कि अल्लाह ने इस काम के लिए आपको चुना है। यकीनन खुशबख्ती की बात है कि आपका रोज़गार उसी से मुंसलिक हो जो अल्लाह के मेहमानों के साथ आपका रोज़गार बन जाए, खूबसूरत बात। अच्छा सर जी, बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि कारोबार के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें हसनात, नेकियाँ इकट्ठा करने का भी मौका फराहम किया है। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, फरमाइएगा कि जो पाकिस्तानी हुज्जाज को रवा साल सहूलियात दी जा रही हैं, या सारे जो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ममालिक से, दुनिया भर से हुज्जाज कराम जो आ रहे हैं, पहले ये फरमा दीजिए कि पाकिस्तान के हुज्जाज कराम जो हैं उनको क्या सहूलियात हैं और ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँगा वतन अजीज़ पाकिस्तान से आने वाले हुज्जाज कराम के हवाले से। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिलखसूस वजारत मजहबी अमूर और यहाँ पर सऊदी अरब में जो हज मिशन है पाकिस्तान का, उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जो 24/7 इस वक्त हुज्जाज कराम की खिदमत कर रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर मक्का मुकर्रमा में उनकी जो अकामोडेशन है, वहाँ तक, किसी तरह मदीना मुनव्वरा में जो उनकी अकामोडेशन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी फूड है, उस हवाले से, बल्कि मैंने गुज़श्ता दिनों में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर जाकर हुज्जाज कराम से मुलाकात की, उनसे पूछा कि आपको गवर्नमेंट के इंतजाम कैसे लग रहे हैं, खाना कैसा दिया जा रहा है, आपको बैतुल्ला में जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसी प्रोवाइड की जा रही है। तो उनके जो एहसास थे, जो उनका तबसरा था, वो बड़ा खुशाइन था कि हमें डबल डिश के साथ खाना दिया जा रहा है और बड़ा अच्छा खाना है जी, डेली डिफरेंट मेन्यू होता है। उसके बाद हमारे रहनुमाई के लिए हर बिल्डिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने गाइड्स मुतय्यन किए हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं कि हमने किस रास्ते से, किस गाड़ी पे, किस स्टेशन से
इस सेक्टर से बैतुल्ला की तरफ जाना है, कैसे हमने वहाँ से वापस आना है। इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ बिल्डिंग में हज की जो ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स हैं, क्या आपने जो हज के अयाम हैं बिलखसूस मिना, अरफा, मुजदलिफा के जो दिन हैं, वो आपने कैसे गुजारने हैं, कैसे बसर करने हैं। उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हर 10 मिनट बाद जी जो बड़ी एयर कंडीशन बसेज हैं वो हाजियों को लेके हरम आती हैं और हरम से लेके फिर उनको वापस जाती हैं। इसी तरह अगर आप बात करें मेडिकल, जो मेडिकल मिशन है पाकिस्तान हज मिशन का, तो उसमें भी इस वक्त सैकड़ों डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पाकिस्तानी हुजाज की खिदमत के लिए, उनकी सेहत के लिए बेहतरीन इंतजाम कर रहा है। एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, मेडिसन है, हॉस्पिटल है, जहाँ पे हर वक्त हाजियों को देखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और मुनासब जो उनकी ट्रीटमेंट है वो उन्हें दी जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि हाजी जो हुजाज किराम वहाँ पहुँच चुके हैं, अभी भी लोग जा रहे हैं, तो जो वहाँ पहुँचे हैं वो क्या इंतजाम से मुतमिन नज़र आते हैं आपको? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि आपको अर्ज़ की है कि मैं बिल्कुल मैंने मुशाहदा किया है, मैंने लोगों से मुलाकात की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों से भी मैं मिला हूँ उनमें मुख्तलिफ लोग हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हैं, कुछ पंजाब से, इसी तरह सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो हज का जो इस टाइम है जो हज मिशन है, जो हज के इंतजाम हैं, अरेंजमेंट्स हैं, उनके ऊपर हमें मुतमिन नज़र आते हैं। ठीक है। अच्छा सर, चूँकि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं, और कोविड के बाद ये पहला साल है अल्हम्दुलिल्लाह कि भरपूर तरीके से हज होने जा रहा है, और जो कि होगा अल्लाह ताला के फजल व करम से। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि कुछ पाकिस्तानी हुजाज होटल ना मिलने की वजह से परेशान थे। हो सकता है एक वीडियो ऐसी हो या कोई एक आधा ऐसा वाक़या हो, क्या हकीकत में वहाँ पे लोगों को ठहराने के लिए, बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पे क़याम देने के लिए, सुकूनत देने के लिए आर्जी तौर पे इंतजामात मुकम्मल हैं या अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं? सर, इसमें पहली तो बुनियादी बात ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने हज सिस्टम जो है से टोटल ऑनलाइन कर दिया है। जब तक आप मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की अकोमोडेशन, आप ट्रांसपोर्टेशन और अपना फूड का एग्रीमेंट सिस्टम के अंदर, आप जो सऊदी गवर्नमेंट का ऑनलाइन वीज़ा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप अपलोड नहीं करते, तब तक आपका हज वीज़ा इशू ही नहीं होता। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हर चीज़ के इंतजामात बिफोर टाइम हुए हुए हैं, मौजूद हैं। ये जस्ट आप ये कह लें कि चंद लोगों ने फितना फैलाने के लिए, या ये आप कह लें कि उन्होंने हज मिशन को बदनाम करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हरकत की होगी, अदरवाइज अभी तक मैंने कोई भी ऐसा हाजी नहीं देखा कि जो अपनी बिल्डिंग के बाहर रोड के ऊपर लेटा हुआ हो या बैठा हुआ हो इस वजह से कि मुझे होटल नहीं मिला। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो इंतजाम कर रही है, इसके साथ साथ सऊदी अरब की जो वजारत हज है वो इस मामले में बड़ी कॉन्शियस है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी हाजी मक्का मुकर्रमा में पहुंचे और उसके पास अकोमोडेशन ना हो, या वो मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो उसके पास अकोमोडेशन ना हो, बल्कि जब हुजाज इकराम की बसें मूव करती हैं एयरपोर्ट से तो बकायदा यहाँ पर ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाता है, उन्हें वेलकम किया जाता है, उन्हें गिफ्ट पेश किए जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो गाइड्स हैं, जो मुर्शद हैं, वो उनको साथ लेके उनके अकोमोडेशन पे छोड़ने जाते हैं, अकोमोडेशन पे छोड़ के उन्हें अकोमोडेट करके उसके बाद वो वहाँ से रवाना होते हैं। अच्छा, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें भी आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हम देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया में भी हमने देखा है कि वहाँ पर लोगों को किस तरह हुजाज किराम को वार्म वेलकम किया जा रहा है, गिफ्ट पेश किए जा रहे हैं, और सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा वहाँ पे टीम्स बनाई हैं, बड़ी तादाद में लोगों को हायर किया है जो सिर्फ इसी मकसद के लिए होंगे कि हुजाज किराम वहाँ पे जो पहुँचेंगे उनकी खिदमत के लिए, उनकी मावनत के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए। तो ये भी कहा जा सकता है फिर हाफिज़ साहब कि ये एक ऐसा वाक़या तो हो सकता है कि जो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो, या ख़ुद उतनी चीज़ों के बारे में पता ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, तो ये वीडियो बना दी गई हो।
देखिए सर, मैं इसमें कहूँगा कि लैक ऑफ एजुकेशन या इंफॉर्मेशन का फुकदान नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये ऐसे कुछ अनासर होते हैं जो जानबूझ के ऐसे हरकत करते ठीक हैं। क्योंकि हाजी जब एयरपोर्ट पे पहुँचता है तो एयरपोर्ट से लेके उसके अकोमोडेशन तक उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सऊदी गवर्नमेंट दोनों हुकूमतों की जानिब से बाकायदा उन्हें गाइड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इन्हें अकोमोडेट करके उसके बाद फिर वापस में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा ये भी फरमाइएगा कि इस साल सऊदी हुकूमत ने जो स्पेशल अफराद हैं, स्पेशल अफराद के साथ साथ बच्चे और ख्वातीन, इनके लिए कोई खास इंतजामात अलहदा से भी किए हैं? ये हर साल ही होते हैं, जो सऊदी स्काउट्स एसोसिएशन है, जैसे हमारे पाकिस्तान में स्काउट्स की एसोसिएशन है, तो यहाँ पर भी जो स्काउट्स की एसोसिएशन है उसके जिम्मे जो स्पेशल पर्सन हैं, और इसी तरह जो बूढ़ी खवातीन हैं, बूढ़े हजरात हैं, बच्चे हैं, उनकी खिदमत के लिए ये स्काउट्स बिला मुआवजा अपनी जो उनकी एसोसिएशन है उसके प्लेटफॉर्म से हाजियों के लिए खिदमात जो है वो पेश करते हैं। ठीक है। ये भी फरमाइएगा कि जो सऊदी हुकूमत ने अरफा, मिना और मजदलफा के हुजाज के लिए इस साल को खास इंतजामात किए हैं, और अगर किए हैं तो वो भी बताइए प्लीज़। देखिए, सऊदी गवर्नमेंट हर साल ही जो मिना, अरफात और मुजदलिफा में जो खेमे हैं, जो वॉशरूम्स हैं, जो रोड्स हैं, उन्हें मेंटेन करती है। लेकिन इस साल जैसा कि आप जानते हैं कि 2013 के बाद, एक लंबे अरसे के बाद हज जो है फुल कोटे के साथ हो रहा है, जी तो इसलिए इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इंतजाम, पहले भी उनके अच्छे होते हैं लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा बेहतर है। मैं कल जो था, मैं गया हुआ था मीना की तरफ, तो मैं देख रहा था कि माशाल्लाह सफाइयाँ हो रही हैं, पेंट हो रहे हैं, कूलर एसी वो सेट किए जा रहे हैं, इसी तरह वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ जो कैंप्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि किसी ना किसी खुदा ना खास्ता किसी एमरजेंसी की सूरत में हाजियों को उसका नुकसान ना हो। ठीक है, ठीक है। यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, सारे इंतजाम को देखा भी जा रहा है। वहाँ के जो मकामी जी जी लोग हैं, बिल्कुल, जी हाफिज साहब, वहाँ पे आप जो देखें, मैं परसों की बात है, मैं एक जगह से जा रहा था, तो रास्ते में ना मीना वाला रोड जो है उससे गुजर के जाना पड़ता है, जी तो जो मीना में जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन जो है उसके ऊपर ट्रैक के ऊपर ट्रेन जो चल रही थी, तो मैं सोच रहा था कि देखें एहतियात हाजी नहीं है, लेकिन ट्रेन जो है इसलिए चलाई जा रही है ताकि उसका ट्रैक चेक कर लिया जाए, ट्रेन को चेक कर लिया जाए कि उसमें किसी किस्म की कोई कोई खामी तो नहीं है, फॉल्ट तो नहीं है, जी ताकि बाद में एट द स्पॉट उन्हें किसी किस्म का मसला दरपेश ना आए। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ साथ टेस्टिंग का मरहला भी चल रहा है कि चीज़ों को चेक कर लिया जाए ताकि ऐन वक्त में कोई ऐसी सूरत हाल ना पेश आए कि वो काम ना आ सके। अच्छा सर, जो जी मकामी बिल्कुल, लोग हैं वो वहाँ से ट्रेवल भी कर रहे हैं, आसपास की जगहों से बाय रोड भी लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द 50,000 गाड़ियों की पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है, इस बारे में भी बताइए कि वहां के जो रोड्स के मुताबिक प्लान किया गया है वो क्या किया गया है? पर उसमें यह है कि जो लोग फॉर एग्जांपल मदीना मुनव्वरा से तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए उन्होंने मदीना रोड पे जमूम चेक पॉइंट है, जी जमूम चेक पॉइंट के दोनों अतराफ में बड़े मैदान हैं जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग जो है वो रमज़ान और हज के मौके पे की जाती है। वहाँ से आगे गवर्नमेंट ने शटल सर्विस, जो जी मुकामी अफराद अपनी गाड़ियों पर आते हैं उनके लिए शटल सर्विस का इंतजाम किया है, वो वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ से वो शटल पर बैठ के जो स्टेशन है वहाँ पे आ जाते हैं, फिर वहाँ से वो अपने जो भी उनकी जगह जाने के लिए वहाँ पे वो तशरीफ ले जाते हैं। इसी तरह जो लोग ताइफ से, रियाद से, इस तरफ से आते हैं, उनके लिए उन्होंने शराय मोहल्ला मक्का मुकरमा का, वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनके लिए वसी और रीत पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह जो लोग, हेलो, जी जी मैं आपको सुन रहा आवाज़ हूँ। आ रही है जी मेरी? जी मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। इसी तरह जो लोग जिद्दा से मक्का मुकरमा आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए जिद्दा रोड पे जायदी के पास जो पार्किंग है वो गवर्नमेंट ने मुख्तस की है। इसी तरह जो लोग इराक, इसी तरह मिस्र, जॉर्डन से बाई रोड जी तशरीफ ला रहे हैं हज के लिए, उनके लिए उन्होंने यहाँ पे एक जनूब जनूब की जानब लीस रोड है, जी लीस रोड के ऊपर
काकिया चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट के साथ बहुत बड़ी पार्किंग है जहां पर वो अपनी बसें और गाड़ियां जो है वो पार्क करते हैं। ठीक है, यानी आप मकामी भी हैं, इर्द गिर्द की जगहों से भी आ रहे हैं, वहां पे भी इंतजाम हैं, गाड़ी पार्क कीजिए और वहां से शटल सर्विस के जरिए अपनी जो जगह है वहां तक आप पहुंच सकते हैं, डिजायर्ड प्लेस तक। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि लाखों हाजी कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह ताला, कुर्बानी के क्या इंतजाम किए गए हैं, उस मीट के हवाले से, गोश्त के हवाले से क्या इंतजाम किए गए? कुर्बानी के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट का जो बैंक का सिस्टम है, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक, जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उसकी जानिब से 720 रियाल कुर्बानी का जो रेट है वो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल हाजियों को फेवर दी है, पिछले साल 800 प्लस था कुर्बानी का रेट जी। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने 720 रियाल जो है वो मुख्तस किए हैं, और उसके लिए हरम के अतराफ में इसी तरह जो हजाज कराम की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर उन्होंने बाकायदा काउंटर लगाए हुए हैं कि जहाँ से हजाज अपनी कुर्बानी जो है उसका टोकन परचेज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें टाइम दिया जाता है कि फलां टाइम तक आपकी कुर्बानी हो जाएगी, आप उसके बाद उसका हलक करवा सकते हैं। और गोश्त के बारे में गवर्नमेंट इससे पहले भी जो ऐसे ममालिक हैं मुस्लिम कंट्रीज जो जहाँ पे आफत आती है, जहाँ पे वो जंग जदा है, तो गवर्नमेंट पहले भी वहाँ पे गोश्त बेचती है। इस साल भी जो बैंक के जिम्मेदार, उन्होंने जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नशर की थी उसमें यही उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह जो हमारे दोस्त मुसलमान ममालिक हैं उनके कुर्बानी का गोश्त जो है वो प्रोवाइड करें, डिजर्विंग कंट्रीज को चला जाएगा, नीडी कंट्रीज को चला जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, जिधर आफत है या कोई जंगजदा इलाके हैं उनको चला जाएगा। हाफिज साहब, ये भी है ना कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा वो जितने आप अमाउंट बता रहे हैं 700 समथिंग, ये तकरीबन 57-60,000 के करीब पाकिस्तानी रुपीज़ बनेंगे, ये वेव ऑफ कर दिया, ये अब कुर्बानी की रकम इसी पैकेज में शामिल कर दी गई है? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस दफ़ा कुर्बानी की रकम जो है वो वापस कर दी है। ओके, उन्होंने हाजियों को ये हाजियों को दे दिया कि आप खुद ही अपनी कुर्बानी जो उसका अरेंज करें। ठीक हो, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने यह किया है कि जो पाकिस्तानी हजाज की बिल्डिंग है जी वहाँ पर जो बैंक के जो काउंटर है वो लगवा दिए हैं ताकि हाजियों को कुर्बानी खरीदने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अच्छा हाफिज साहब, ये भी बताइए कि बहुत ज़्यादा तादाद होगी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मेडिकल एड के लिए, तिब्बी सहूलियात के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर हम बात करें पाकिस्तान गवर्नमेंट की, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बाकायदा अपना जो उनका मेडिकल मिशन है उसका मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों इन मुकद्दस शहरों में अरेंज किया हुआ होता है, जिसमें डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ पाकिस्तान से आता है और उसके बाद मेडिसिन आती हैं यहाँ से, लोकल वो गाड़ियाँ एम्बुलेंस सर्विसज जो है उसको हायर करते हैं ताकि जो पाकिस्तानी हाजी हैं उनके लिए किसी किस्म की भी जो मुश्किल है वो पेश ना आए। और अगर हम बात करें सऊदी गवर्नमेंट की, तो सऊदी गवर्नमेंट ने भी हज के मौके पे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनको स्टैंड में रखा होता है और हज़ारों की तादाद में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सर्विसेज, जिसमें वैन इवन के हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की जो सर्विस है वो भी अवेलेबल होती है ताकि खुदा खास्ता किसी एमरजेंसी की सूरत में मरीजों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए। ठीक है, अच्छा अभी आपने कुछ देर पहले ट्रेन सर्विस का भी जिक्र किया था, तो वो जाज कराम के लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, इसकी क्या सहूलत मिल सकती है और क्या है इसका सारा प्रोसेस? इसकी ट्रेन की जो सबसे बड़ी सहूलत है वो ये है कि आप मीना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से मीना चंद मिनट्स में पहुँच जाते हैं। बस के ऊपर पॉसिबल है रोड ब्लॉक हो जाए, कोई मसला बन जाए, ब्लॉकी जा जाए, लेकिन ट्रेन का ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप विद इन मिनट्स मशायरे मुकद्दसा में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ हुज्जाज कराम आ सकते हैं और ये कब कब चलती है या ये 24/7 चलेगी, ये भी फरमाइए। ट्रेन जो है वो हज के याम में 24/7 है। ठीक है, उसको वो बिल्कुल भी नहीं, उसकी टाइमिंग नहीं है। हुज्जाज कराम को दिए जाते हैं रिंग, दिए जाते हैं जो उन्होंने पहने होते हैं अपने हाथ में, वो उसको एयरपोर्ट स्टेशन पे जाके स्मार्ट मशीन लगी हुई है स्कैन करेंगे उसको। उनके लिए
हाँ उनके लिए डोर खुल जाता है तो वो ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ठीक है, और ये सारा दिन चलती है तो फिर इसमें नंबर ऑफ पीपल तो रहा ही नहीं, जितने लोग बैठेंगे चले जाएंगे, जब फुल होगी चले इसमें जाएंगे। नंबर ऑफ पीपल नहीं है इसमें, ये तो जी ओपन है जिसको भी जी यानी जिसके पास भी ट्रेन में ट्रेवल करने का जो वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट है जिसके जी पास भी है उस पर ट्रेवल कर सकते और हैं। ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है? ये मीना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से मीना। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन होगा मेरा आपके लिए कि ये फरमाएगा कि कंकरियां मारने के दौरान हिस्ट्री में, माजी में बहुत सी ऐसी हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि जिसमें अमवात हो गई और बहुत सारे जामे शहादत जी, नोश कर नुकसान गए, हो गया तो बिल्कुल। जी इस साल क्या इंतज़ामात हैं? इस साल तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल का बच्चा अगर कंकरी मारना चाहे ना तो उसके लिए कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 2 साल का बच्चा भी बड़े आराम के साथ खड़े होकर कंकरी जो है मार सकता है। एक तो उन्होंने उसके मुख्तलिफ फ्लोर बना दिए हैं, ग्राउंड जी फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसके बाद जो हुजम था जमरात का उन्होंने बड़ा कर दिया, हुजम बड़ा कर दिया, फ्लोर बना दिए हैं, फिर उसको वन वे कर दिया जी कि जिधर से आपने कंकरियां मारने आना है आपने वापस नहीं जाना, आपने एग्जिट होकर दूसरे रास्ते से वापस जाना है। एंटर और एग्जिट दोनों इसमें अलहदा अलहदा हो गए और जगह हाँ मजीद खुली कर डिफरेंट दी। हो गए, जगह मजीद खुली हो गई, उसके बाद मुख्तलिफ फ्लोर बना दिए और हर फ्लोर को जो है वो उन्होंने सेम साइज रखा है, जमीनात का साइज बड़ा कर दिया कि जिसकी वजह से अब वहां पर किसी भी किस्म के हादसे का नुकसान का अंदेशा बाकी नहीं रहा। ठीक है, यानी सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स और इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं ताकि ये बेहतर सहूलत हो सके और ऐसी खुदा ना खासा कोई सूरत हाल फेस ना करनी पड़े। जी बिल्कुल एक व्यक्ति। ठीक इसी है तरह मौसम की शिद्दत है, जी, आप जानते हैं गर्मी है, तो गर्मी ज़्यादा गवर्नमेंट ने अरफात में, मीना में, मुजदलिफा में रोड्स के ऊपर ऐसे शावर लगाए हैं जिनसे पानी की जो आप कह लें फुहार है वो निकलती रहती है और हुजाजे कराम के ऊपर पानी जो है वो बारिश की तरह हल्का हल्का पड़ता रहता है जिससे उन्हें गर्मी की जो शिद्दत है जी वो महसूस नहीं होती बल्कि उसमें कमी वाकई हो जाती है क्योंकि वो ठंडा पानी होता है जो शावर के जरिए जब वो गुजरते हैं रास्ते से तो उनके ऊपर पड़ता रहता है। वो और पीने के पानी के हवाले से भी जी पीने के पानी के हवाले से तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट भी इंतजाम करती है, इसके बाद जो प्राइवेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे उनकी जानिब से फिर जो लोग हैं मुख्तलिफ जो असहाबे खैर हैं जी उनकी जानिब से बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें आपको खाने के लिए पीने के लिए मुतवा यानी आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें इंसान उसकी इंसान की तलब तो ख़त्म हो सकती है, चीज़ें ख़त्म नहीं होती, माशाल्लाह पानी ख़त्म नहीं माशाल्लाह होता। माशाल्लाह, पानी की प्यास हो या भूख की तलब हो, खुराक की तलब हो, सब कुछ आपको मैसर होगा और ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनके लिए कमी कोई नहीं है, ऐसे ही फरमा रहे हैं आप। जी बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि इस टाइम तो ऐसे लगता है जैसे अहले मक्का, अहले मदीना, पूरे जो यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ऐसे महसूस होता है जो हर जैसे हर बंदा ही इस इन दिनों में हुजाज कराम की खिदमत करके अपने लिए अजर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। माशाल्लाह आप माशाल्लाह मैं आपको गुज़श्ता कोरोना से पहले एक वाक़िया सुनाना जी चाहूँगा। प्लीज। हमारे कुछ दोस्त थे तो उन्होंने कुछ दम करने थे तो मैं उनके साथ यहाँ पे जो बकरा मंडी है जी वहाँ पे चला गया, वहाँ से उन्होंने बकरे परचेज करने थे तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक शख्स अपनी गाड़ी में पानी के कार्टन रख के बकरा मंडी में पानी तकसीम कर रहा है, तो मुझे वो ना शनासा से लगे कि जैसे मैं उन्हें जानता हूँ। मैंने करीब होकर देखा तो मैं हैरान रह गया कि जब हम जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा पढ़ते थे तो जी उस ज़माने में वो डॉक्टर मोहम्मद बिन अली अल उगला मदीना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, माशाल्लाह 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 वाइस चांसलर थे और वो बताते खुद बकरा मंडी में आके अपनी गाड़ी में ठंडे पानी के जो कार्टन थे वो रख के तो वहां पे लोगों को पानी तकसीम कर रहे थे सुभान और अल्लाह ये भी वो अपने लिए शर्फ और फख्र समझ रहे थे कि अल्लाह सुभान ताला अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पर बैतुल्लाह के जो हुज्जाज हैं, अल्लाह के जो मेहमान हैं, मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। सुभान ये अल्लाह, जज्बा है इन लोगों का। ये जज्बा है बिल्कुल। ठीक है सर, इसके साथ ही मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे साथ मौजूद रहे हाफिज़ सलमान आज़म साहब, हज और उमरा टूर ऑपरेटर, चेयरमैन
ईमानी ग्रुप। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हज इंतजामात के हवाले से जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हज इंतजामात 2023 में क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं कि आज़मीन हज क्या क्या वहाँ पर सहूलियात हासिल कर सकेंगे, किस तरह उनको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, उनको सिम दी जाएगी, फिर उनको वो बैच दिए जाएंगे, वो कार्ड दिए जाएंगे कि उनकी शनाख्त हो सके। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से इंतजाम हैं, उन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान इस वक्त मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ, अपने मसरूफ़ वक्त से थोड़ा सा टाइम हमें भी देते हैं, मोहब्बत करते हैं हमसे, हम इनके मशकूर हैं। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वरकातुहू। निजामी साहब क्या हाल है आपका? सर आपकी दुआएं हैं, हम आपको बहुत मिस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत सी वीडियोस भी सर देखते रहते हैं। आपका तारुफ तो सर एक बड़ा लंबा तारुफ है, तो मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था फौरी तौर पर आपसे गुफ्तगू कर ली जाए। दारुस्सलाम से जो हमें किताबें जो कुतुब मिलती हैं और उन पर जो रहनुमाई आपकी तरफ से लिखाई की सूरत में हम तक पहुँचती है वो यकीनन सराहने की बात है। अच्छा, मैं आज आपका एक तारुफ ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ सुबह वतन के अपने इस प्लेटफॉर्म से कि जो मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब हैं कैलानी ख़ानदान से, ये उनके सपूत हैं और जो खताती है कुरान करीम की इल्म व फ़ज़ल के हवाले से ये ख़ास तौर पे ब्लेस्ड है इनकी फैमिली। सर हाउ लकी यू आर माशाल्लाह, और अभी भी आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपके इन कमेंट्स का, तो ये सब अल्लाह का करम और अल्लाह का फजल है। बेशक बेशक अल्लाह ताला ये फजल हम पे भी करे और हम भी आप पे आपके ही नक्शे कदम पे चलें। सर आपको जरा थोड़ा माजी में लेके चलते हैं, हम 2023 में मौजूद हैं, हज इंतजामात की हम बात आज कर रहे हैं, लेकिन आपने जो हज किया था वो 1980s का हज था, आपका पहला जी, हज। बिल्कुल बिल्कुल, उस हज की हमें जरा रूदात बताइए और तब इंतजाम क्या होते थे और आज जो इंतजाम हैं वो क्या आप अपनी आंखों से देख रहे हैं? निज़ामी साहब हकीकत बात यह है कि आज से कमोवेश 43 ईयर बैक यानी 80s के हज को और आज के 2023 के हज को अगर देखें तो बहुत 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 फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान इतने ज़्यादा तत्वरात और इतनी ज़्यादा बेहतरी आई है इंतज़ामात के अंदर। उस ज़माने में तो देखिए हर साल आग लग जाती थी खैमों में, इसलिए लोगों के अंदर इतनी आगाही नहीं थी। फिर ये था हवा जब चलती थी तो खैमों के अंदर वो सिलेंडर ले जाने की इजाज़त होती थी, खाना वहीं पकता था। हाँ जी, ये एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। तो कमोबेश हर चंद के ज़माने में जो फायर ब्रिगेड था दिफाल मदनी बहुत मुस्तैद थे, बड़े काम करते, बड़े तेज़, लेकिन आग जो है उसके ऊपर काबू पा लेते थे, लेकिन नुकसान तो नुकसान हो जाता था जी। फिर ये है कि सफाई का वो इंतज़ाम जो आज हमें नज़र आता है वो तो हम कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर ये हमने उस ज़माने में देखा कि हुज्जाज जो हैं वो कोई ख़ास इंतज़ाम एहतमाम है ही नहीं, खैमा किसी को मिल गया तो ठीक है, वरना सड़क के ऊपर वो जनाब वो सोए हुए हैं, खैमों की बजाय बाहर बैठे हुए हैं। तो वो एक हम कह सकते हैं अफरा तफरी तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन बड़ी हद तक हुज्जाज जो है वो बेचारे गुम हो जाते थे और वो कई कई दिन अपने जो प्यारों से जो ख़ास तौर पर बूढ़े होते थे या अनपढ़ होते थे या ख्वातीन होती थी वो एक दूसरे को मिलते नहीं थे। तो जहाँ तक मेरा तल्लक है वो मेरा हज जो था वो चूँकि पहला हज था, जवानी का हज था वो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक़्त 25 मेरी एज थी, तो बिल्कुल इतना शौक इतना जज्बा उसके कुछ ना पूछें। अच्छा सर माशाल्लाह माशाल्लाह, सॉरी टू कट यू, स्टिल यंग गाय, अभी भी माशाल्लाह आप कहाँ से बूढ़े लगते हैं, हशाश बशाश माशाल्लाह, नूरानी चेहरा खूबसूरत, अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी अता किए रखे। सर जो पहला हज था यकीनन ये बड़ी सआदत की बात होती है, उस वक्त जो पहले हज की फीलिंग थी जो जज्बात थे वो जरा शेयर कीजिए। बस मैंने अर्ज किया ना कि वो शौक ही इतना ज्यादा था। एक तो मेरी आवाज बहुत, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि आम लोगों के मुकाबले में मेरी आवाज ऊंची है,
उस जमाने में तो बहुत ज्यादा मेरी बुलंद आवाज थी, तो वो जो तलबिया मैं पढ़ता था वहां पर, हाँ जी, मीना के अंदर, फिर अरफात के मैदान में बतौर खास पीछे पीछे हुज्जाज जो हैं वो तलबिया पढ़ रहे हैं, और वो तलबिया पढ़ते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, वो जो शौक, वो जो जज्बात, वो जो तलबिया खास तौर पर हमें जो हमारे भाई थे डॉक्टर हबीब रहमान कहलानी, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उन्होंने हमें एक लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि हज के अंदर जितना आप ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अल्लाह को पुकारेंगे, तलबिया बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, तो जनाब हमने वो उनकी बात जो है उसको अखज कर लिया, और बुलंद आवाज से मैं अल्हम्दुलिल्लाह लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन्नल हमदा वन नेमता लकवल मुल्क ला शरीक लक। ये जो तलबिया था नजामी साहब, उसका जो शौक और जो जोश और जो मजा, और फिर जब उसके मानी और मतालब के ऊपर गौर करते थे आंखों में आंसू आ जाते थे। अल्लाह तेरा शुक्र है क्यों तूने हमें तौफीक दी है, हम तेरे घर पे आए हैं, हम बैतुल्ला शरीफ का हज करने के लिए आए हैं। ये वो चीजें जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे थे, उनको हम तरसते थे, वो तो कुछ ना पूछे। और जनाब बेशतर हिस्सा जो था वो मैंने पैदल वो हज किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हज्जाज की जिस हद तक खिदमत कर सकते थे वो भी अल्लाह के फजल करम से आज भी मुझे याद है, वो मनाजर, वो मौके, किस तरीके से मैंने कंकरियां पहले दिन मारने के बाद मैं खुद गया मसलख के अंदर मजबा खाने में, वहां पर जाकर मैंने जानवर खुद खरीदा, हाँ जी, खरीदने के बाद अपने हाथों से जबा किया, और फिर अपने हाथों से उसकी खाल उतारी, पूरी तो नहीं उतारी, वो जितना हमें गोश्त चाहिए था, हाँ जी, वो लेग पीस एक जो उतारे, और उसके बाद उनको लेके आया, साफ किया जी, उसके बाद पकाया, और जो हमने खैमा लिया हुआ था उसके जितने साथी थे वो उनके आने से पहले पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी वो खाना, हालांकि मैं कोई अच्छा कुक नहीं हूं। नहीं, अच्छा सर, वैसे आपको याद होगा कि करम से मुझको बहुत ज्यादा यानी वो खुशियां भी दी, और उसके बाद हमें मजा भी, वो साथी आज तक नहीं भूल सकते। माशाल्लाह। अच्छा सर, अब चूंकि खाने का जिक्र आ गया, आपको याद होगा हमने एक नशिस्त में बड़ा भरपूर खाना भी खाया था जिसमें भिंडी बड़ी शौक से आपने खाई थी, तो मुझे पता है कि खाने का किस तरह से आपका ज़ौक है। अब जब खाने का जिक्र हो रहा है तो सर ये फरमाइएगा कि माशाल्लाह अल्लाह के मेहमान हुज्जाजे कराम लाखों की तादाद में जा रहे हैं, वहाँ पर इस साल भी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, आपको पता है कोविड के बाद ये पहला हज है जो बिल्कुल खुले तरीके से और भरपूर अपने अंदाज में ही परफॉर्म किया जाएगा। इतने लोग जब यहाँ पे आएंगे, इतने हाजी वहाँ पे पहुँचेंगे, तो खुराक बड़ा अहम एक इशू है जिसकी फराहमी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस मौके पे। तो क्या खाने की, खुराक की किल्लत होने का कोई खदशा होता है? मैं जब से सऊदी अरब आया हूँ कभी किसी दौर में कोई तसव्वुर भी नहीं आया कि किसी चीज की कमी वाक़या हो गई है, माशाल्लाह। और इसमें हम ये क्रेडिट भी देंगे जो इंतजामिया है खादिम अल हरमैन शरीफैन की हुकूमत को, उनके जो जिम्मेदारान हैं वजारत हज को, इसी तरह जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उनको, कि वो ये हज का मौसम आने से पहले सारे हर चीज का इंतजाम करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, और बड़ी वाफर मकदार में खाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज मुयस्सर होती है, बल्कि एक बहुत बड़ा सीजन है, आलमी सीजन है, उसको आप कह सकते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कमी जो है ना वो कमी वाकया नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अब जैसे कुर्बानी भी है वहाँ पे, ये फरीजा भी बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा जानवर माशाल्लाह ज़िबा किए जाते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बानी की जाती है, वो गोश्त एक बड़ी तादाद वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो कहाँ भेजा जाता है, किन ममालिक में, किन लोगों के काम आता है? कि निजामी साहब ये तो आज की बात नहीं, आज से कुछ 25-30 साल पहले से इस्लामिक बैंक जो है उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपने जिम्मे ले लिया था, और उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा ही मॉडर्न किस्म का मसलख मजबा खाना बनाया, एक नहीं बल्कि एक से कई ज्यादा मीना के अंदर, और उस वो जो गोश्त है उसको फौरी तौर पर महफूज किया जाता है जी बड़े बड़े फ्रीजर्स के अंदर, और फिर उसके बाद जो फकीर मुल्क हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, इवन एक ज़माने में पाकिस्तान में भी आता था, अफ्रीकन कंट्रीज ख़ास तौर पर वहाँ पे उसको भेजा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त आ गया है कि गोश्त ज़ाया नहीं होता है। जी ठीक है। अच्छा सर, अब आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं, चार दहाइयाँ हो गई,
आप बहुत से लोगों को मिलते भी हैं, दूसरे ममालिक में भी जाते हैं। जब हम हुज्जाज कराम की बात करते हैं तो दुनिया भर से तशरीफ़ लाते हैं, और इस दफ़ा 2023 में भी यही होने जा रहा है इंशाल्लाह कोविड के बाद भरपूर तरीके से। आपको कौन से हुज्जाज कराम, किस मुल्क के हुज्जाज कराम सबसे डिफरेंट लगते हैं और आपको लगता है कि ये मुनफरिद हैं? देखिए जी, हकीकत जो बात है वो हमें ये क्रेडिट देना चाहिए और देना भी है, जो हमारे शर्क औसत के हैं जी, लोग हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनाई है जी, ये जो एरिया से जो लोग आते हैं जी, हमने देखा कि सबसे ज्यादा ये मुनज्जम, मुरत्तब, साफ सुथरे हैं जी, अपने जो मुअल्लम हैं उनकी बातों के ऊपर अमल करने वाले, इंतहाई मुनज्जम अंदाज में हज करते हैं ये लोग। अच्छा, मजाल है कि इधर से उधर हो जाए। तो अगर ये क्रेडिट अगर आप लेना चाहें तो मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक हो सकता है कोई साथी जो है वो मुख्तलिफ भी हो, मसाल के तौर अगर यूरोप से लोग आते हैं तो उनकी तादाद वैसे ही बड़ी थोड़ी होती है जी, ठीक है। तो इस एतवार से अगर वो ज्यादा मुनज्जम है तो वो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया के लोग, मलेशिया के लोग जी, ब्रुनाई भी खैर छोटा मुल्क है, वहां से भी थोड़े लोग आते हैं, लेकिन खास तौर पर हम ये कहेंगे कि इंडोनेशिया से और मलेशिया से और ये जो इर्द गिर्द के सारे ममालक हैं, ये वो मुसलमान हैं जो कि इंतहाई मुनज्जम और मुरत्तब अंदाज में हज करते हैं। अच्छा, हम पाकिस्तानियों के बारे में भी बताइए, हमारी कौन सी चीज़ मुनफरिद होती है हाजियों की, और कौन सी चीज़ हमें थोड़ा ओवरकम करना चाहिए, प्लीज़? देखिए, मैं पाकिस्तानी कौम के ऊपर बहुत सारी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो खूबियाँ ही खूबियाँ नजर आती हैं, ये एक इंसान की फितरत है कि आदमी, और मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा रोशन पहलू देखता हूँ जी। मैंने अपनी कौम के अंदर जो जज्बा देखा है, हमदर्दी का, प्यार का, एक दूसरे के साथ तावन का, मदद का, उसके क्या कहने जी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो कौम है जज्बाती अलहदा बात है कि वो जिस वक्त कंकरियां मारने जाते हैं तो जनाब जूते मारने शुरू कर देते हैं उसको, और मोटे मोटे पत्थर मारते हैं जी। लेकिन जी, जो हुज्जाज की खिदमत का जज्बा देखा, ख्वातीन के साथ, बूढ़ों के साथ, मरीजों के साथ, तो मैं, वैसे तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं इस पहलू के ऊपर मैं कहूंगा कि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है उसके क्या कहने, मदद करते हैं, खुद से मौजूद रहते हैं, अपने फराइज भी सरंजाम देते हैं, जिसको कहते हैं ना, जो कुरान ने कहा ना, वयुसिरून अला अनफुसहिम वलौ कान बिहिम खसासा जी। हमारी कौम जो है वो इसार का मुजस्मा है, इसार करती है, कुर्बानियां देती है जी। ठीक है। अच्छा सर, ये भी तो देखने में आता है कि सऊदी अरेबिया के जो मकामी लोग हैं वो भी हुज्जाज कराम को पकड़ पकड़ के सवाब हासिल करने के लिए, खाना हो, कोई चीज़ फराहम करनी हो, किसी काम के लिए होना, वो भी लोग बहुत आगे रहते हैं, ये भी आपने विटनेस किया है वहाँ पे? जी, कोई शुबा नहीं है। देखिए, असल में अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी सामईन कराम हैं, अल्लाह ताला हर एक को बैतुल्लाह शरीफ का हज नसीब फरमाए, और ये हरमैन शरीफैन का ज़ियारत और वहाँ की हाजिरी जो है, असल बात जो है जिस वक्त आदमी वहाँ पहुँचता है ना निज़ामी साहब, आदमी की कैफियत ही बदल जाती है। Exactly. मैं ये बात कहूँगा, तो अच्छे लोग हैं, बुरा आदमी जो है खुदा नखास्ता, वो भी जिस वक्त वहां के माहौल को देखता है, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह के करम, अल्लाह का फजल, वो इतना ज्यादा है इस बलदैन बलादे हरमैन शरीफैन के अंदर है जी, कि आदमी हर चीज भूल जाता है, छोड़ो अपने नफ्स को, मेरे खैर करनी है बिल्कुल। और ये बात जो कुरान ने हमें कही है ना, वफरुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, खैर के काम करो। तो जिस वक्त हरमैन में आदमी जाता है तो फिर कहता है कि यार मैं ये, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है, मैं खैर के काम क्यों ना करूं, करम में आ जाता है, रहमत में आ जाता है बेशक अल्लाह ताला की। सर ये फरमाइए, बहुत खूबसूरत आपने बात की, जब यहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं तो फिर वो उसी रहमत के साए में आ जाते हैं। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती सर कि जो हज के मौके पर हमें देखने में मिलती है, दुनिया भर से मुसलमान इकट्ठे होते हैं, रंगो नस्ल से बालातर होके, किसी भी कल्चर से बालातर होके, जब आप ऐसा इज्तमा, ऐसा इकट्ठ, ऐसा मौका देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठे हैं और हज के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आता है, देख के क्या फील आती है? निज़ामी साहब, यही तो इस इस्लाम की खूबसूरती है। माशाल्लाह, इस्लाम के अंदर रंग सफेद है, काला है, ब्राउन है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो फकीर है, वो सब के सब जो है वो बराबर है जी। ठीक है जी,
मुसलमान जो हैं वो सब के सब भाई हैं, उसका ताल्लुक शर्क औसत से है या शर्क गर्ब से है, वो शमाल से है, जनूब से है, मशरक से है, मगरब से, कहां से भी है। मैं ना इस मौके पर एक मंजर जरूर आपको बताना, अक्सर कई बार दफा शायद पहले भी बयान किया है, पुरानी बात है खासी जी। मैं आज के मौसम में चाइना से आ रहा था, लो जी गंजो एयरपोर्ट के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह वो वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे, ऊंचा बड़ा वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बहुत बड़ा, उसमें ज्यादातर जो थे हुज्जाज इकराम थे, चाइनीज हुज्जाज जो जा रहे थे वहां पर हज करने के लिए। निजामी साहब यकीन जानिए वो मंजर मैं कभी नहीं भूला, बूढ़े बूढ़े जी जी है जी मर्द ख्वातीन है जी हाथों में तस्मियां और वो बैठे हुए हैं लॉन्च के अंदर। अच्छा जी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, असर की नमाज का वक्त था, मैंने अजान दी वहां पर सुभान अल्लाह, और फिर उसके बाद जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च के ऊपर हमारा जहाज आने में अभी को आधा पौना घंटा या घंटा बाकी था माशाल्लाह जी हाँ, फिर मैंने वहां पर जमात कराई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैंने सलाम फेरा तो पीछे वो खलकत अर्जी मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे उनकी जबान नहीं आती, उनकी मुझे जबान नहीं आती, लेकिन मेरे और उनके दरमियान एक चीज मुश्तरक है, वो है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। निजामी साहब ये वो मौका है, ये वो मंजर है जो हमें मक्का में हर गली के अंदर, हर कूचे के अंदर, हर होटल के अंदर, मस्जिद अल हराम के अंदर नजर आता है। आपने दाएं तरफ सलाम फेरा तो आपके साथ हो सकता है सूडानी बैठा हुआ हो, आपके हो सकता है फलस्तीनी हो, आपके हो सकता है सऊदी हो, सब के सब एक ही सफ के अंदर खड़े हैं, और ये वो असल असल में इस्लाम है। हज जो है मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मसावात मुहम्मदी जो है उसका अगर किसी ने लेसन अब किसी ने सबक देखना है तो वो हज बैतुल्लाह के हुज्जाज को आके देख ले। सुभान अल्लाह। अच्छा सर इस मौके पर सफाई सुथराई बड़ी अहम है, क्योंकि जब इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हों, मुख्तलिफ कल्चर से लोग इकट्ठे हों, मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, मुख्तलिफ उनका अपना रहन सहन होता है, इतनी बड़ी तादाद में जब लोग हों तो फिर आपको पता है सफाई बहुत ज़रूरी है। ये भी इंतजाम किए गए हैं सऊदी अरेबिया में, म्यूनसिपल कमेटी ने डिफरेंट कमेटियाँ बनाई हैं, लोग अपने वहाँ पर मुकर्रर किए हैं, टीम्स बनाई हैं, मशीनरी लगाई है, वो क्या इंतजाम किए गए हैं? निजामी साहब मेरे इलम के हद तक कितने ही थिंक टैंक्स हैं जिनका काम ही सारा साल वो बैठ के कमेटियां काम करती रहती हैं जी, और वो हर वक्त इस बात को चेक करती हैं। वक्त के साथ साथ तो अब तो सफाई सुथराई, ये बदकिस्मती हमें कहने की इजाजत दें अगर कि हमारी कौम के लोग, बाद लोग सारे नहीं हैं, बाद लोग अब हमारे अंदर भी बड़ी आगाही आ गई अल्हम्दुलिल्लाह के सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, कचरा ऐसी जगह पे फेंक दिया, लेकिन हमने देखा है कि जो सफाई करने वाले मुलाजिम हैं वो जैसे होते हैं ना इंतजार में होते हैं कि किसी ने कचरा फेंका और उसी वक्त उसको उठा लिया। हरमैन शरीफैन के अंदर सुबह शाम वल्लाहु आलम मुझे सही नहीं पता कितनी दफा उसको वो धोते हैं, कितनी दफा सफाई करते हैं, इसका एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्रेडिट हम फिर सऊदी हुकूमत को देंगे कि खादिम अल हरमैन शरीफैन की हुकूमत ने इस बारे में बहुत आला किस्म का, बल्कि दुनिया का मैं कह सकता हूँ सबसे बेहतरीन निजाम, आपको वहां पे कोई मक्खी नजर नहीं आएगी, कोई मच्छर नजर नहीं आएगा, कोई गंदगी नजर नहीं आएगी, सफाई का आला तरीन इंतजाम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें मजीद बेहतरी आती जा रही है, और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा जो है वो जदीद वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में हुकूमत को जितना भी आप खराज तहसीन पेश करें आदमी हैरान हो जाता है, इतनी सफाई, इतना साफ सुथरा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें जो वहाँ के जो इदारे हैं वो बिलाशुबा दिन रात काम करते हैं। सऊदी ऑफिशल्स की जानिब से सर बाकायदा ये कहा गया है, अहकाम जारी किए गए, जो टीम्स बनाई हैं, जो नया स्टाफ रखा है ख़ासतौर पर हुजाज कराम के लिए, कि एक आखिरी हाजी की रवानगी तक मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट रहेगी और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सर आखिरी क्वेश्चन जिसकी जानिब बढ़ते हुए मैं आपसे पूछूँगा कि जो हरम की तौसी की गई है हुज्जाज कराम को, यकीनन इसका बहुत फ़ायदा होगा, जगह एक्सपेंड की गई है, ज़्यादा हुज्जाज कराम आ सकते हैं, ज़्यादा लोग सहूलत के साथ हज में शामिल हो सकते हैं, इस पे गुफ्तगू कीजिएगा प्लीज़। देखिए बैतुल्ला शरीफ के मगरबी जानब मलक अब्दुल्ला
रहमतुल्लाह के नाम से मौसूम जो तौसी है, ये इतनी बड़ी तौसी है, इतनी बड़ी ये तौसी है कि इसके अंदर बिला मुबालगा लाखों की तादाद में हुज्जाज जो हैं वो समा जाते हैं। और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक सऊदी हुकूमत का पूरी दुनिया के मुसलमानों को बहुत बड़ा एक तोहफा है कि बाज़ औक़ात हज्जाज जो हैं वो जगह कम हो जाती थी। ख़ुद मुझे वहाँ पर उसको तौसी को देखने का अल्लाह ने मौका दिया है। तो इसमें फिर वही बात है कि ये ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मैशा, बेशक हर हुकूमत अपने अपने दौर में बैतुल्लाह शरीफ की तौसी की है, लेकिन आले सऊद की हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है। देखिए कम वे 100 साल हो गए हैं इनकी हुकूमत को बने हुए, इस 100 साल तारीख को देखते चले जाएं, हर दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफेन की तौसी हुई है। जब भी हम नए जाते हैं ना उमरा करने के लिए तो हम जाके देखते हैं, अच्छा ये काम भी नया हो गया, ये काम भी नया हो गया है। तो इसमें कोई शुबा नहीं, हुज्जाज जो हैं उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और मज़ीद उसको उठाएंगे। ठीक है सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते आपसे गुजारिश भी करूँगा, हमारे लिए भी दुआ करें कि हमें भी अपने घर की ज़्यारत के लिए अल्लाह ताला बुलाए और हम वहाँ पे बैठ के आपसे ये कहानियाँ ये सारी बातें सुने जो हम सिर्फ इस वक्त आपको ऑन रिकॉर्ड इस ऑनलाइन देख के सुनते हैं। आपकी मोहब्बत का सर बहुत शुक्रिया, ऑल द वे आपने बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। और मैं पैगाम के स्टाफ को भी पेशगी ईद मुबारक देना चाहूँगा। और हकीकत में ये है कि ये सब नौजवान जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, दावत का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद बरकतें और मजीद इनको हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पैगाम, आपका पैगाम तक पहुँच गया जी, आपके वक्त का शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ही मेरा सेगमेंट भी कंप्लीट होता है। हमने मुलाकात की और गुफ्तगू की मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और हाफिज़ सलमान आज़म साहब से हमने गुफ्तगू की, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। ये दोनों साहिबान इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और वहाँ से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो हुज्जाज कराम को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वहाँ पर क्या इंतज़ाम किए गए हैं, पाकिस्तानियों के लिए कौन कौन से डेस्क बनाए गए हैं, खुराक के हवाले से, पानी के हवाले से, क़याम के हवाले से, तिब्बी सहूलियात के हवाले से, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो रास्तों के हवाले से, ट्रेन के हवाले से, पार्किंग के हवाले से, सफाई के इंतज़ाम के हवाले से, सारी चीज़ों के हवाले से उन्होंने आगाह किया है। लगन यही है और जस्तजू भी यही है कि अल्लाह करे हम भी वहाँ पहुँचें और हम वहाँ से अपनी आंखों देखा हाल आपको बताएं और सुबह वतन का प्रोग्राम वहाँ से आपको ऑन एयर करके दिखाएं कि देखिए जी अब हज के इंतज़ाम यहाँ पे ये हैं। अल्लाह के यहाँ किस चीज़ की कमी है, वो यकीनन कुछ भी कर सकता है, सिर्फ दिल से मांगने की ज़रूरत है। प्रोग्राम अभी जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।